कर सकती, इसलिए उसमें मेरी हेल्प करने वाले हैं मेरे प्यारे पापा। पापा आप नाराज हो क्या? हाँ मैं नाराज हूँ तुमसे। क्यों? आज तक परी मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है, तुमने मुझे कभी क्रेडिट दिया है क्या? अच्छा, नहीं ना, इसलिए मैं नाराज हूँ। अच्छा ठीक है पापा, अब मैं आपको क्रेडिट दूंगी। रोज मेरी मम्मी मारती है पापा को, पापा पर आज सीखे तुम बनाने वाले हैं मेरे प्यारे पापा। ये पापा? हाँ खुश हो गए ना? तो चलो जल्दी से बनाते हैं, चलो चलो बनाते। अरे परी, पर चाबी किधर है? चाबी? चाबी नहीं अपने पास? चाबी तो संकेत भैया के पास है। हाँ। अगर संकेत भैया को पता चल गया ना कि हम उनके काम में सीक्रेट रूम बनाने वाले हैं, तो वो हमें डंडे से भी मारेगा, फ्लेल से भी मारेगा। परी क्या कर रहे हो यहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कर रहे हो, ये कैमरा वगैरह? अरे संकेत, पर आप कहाँ जा रहे हो? मैं जरा शौर्य के लिए बुक लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बुक लेने? अरे संकेत आप मेरे फ्रेंड हो ना, फ्रेंड हो ना, तो एक काम करो ना, तो चाबी मेरे पास दो, आप पैदल जाओ। ऐसा क्यों? फ्रेंड हो ना आप, फ्रेंड हो क्या मेरे साथ? इतना भी नहीं करते मेरे लिए? चलो क्यों, चाबी दो, आप पैदल जाओ। मैं क्यों पैदल जाऊं? जाओ ना, जाओ जब वॉकिंग भी हो जाएगी, वॉकिंग भी हो जाएगी, एक्सरसाइज एक्सरसाइज, जाओ जाओ। अच्छे से संभाल के जाना संकेत। हां बाय। चलो पापा ये ओपन करो। हां वेरी गुड पापा। नहीं एक काम करते हैं, ये जो सीट है ना उसे क्लोज कर देते हैं और वहां पर बनाते हैं। चलो ये पकड़ो पापा। वाओ यहाँ पर तो मैं मस्त सो भी सकती हूँ। अभी तक सामान भी लाना है ना पापा? हाँ हाँ हाँ, चलो 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 सामान भी लाते हैं। पहले सामान लेके आते हैं, चलो बस चालू करते हैं सीक्रेट रूम। यस हाँ चलो चलो। अब हम लेने वाले हैं सीक्रेट रूम का सामान। चलो लाइट लिए मैंने। देखो परी मैंने बास्केट ला लिया। अच्छा ठीक है ला, इसमें लाइट। पापा ये लो ये लो। क्या? ये लो। हाँ और ये भी आइसक्रीम आइसक्रीम। अरे ये क्या ले रही है तू परी? फायर को कहते हैं आग, साबुन से निकलता है झाग झाग झाग। और जो परी के पास चीज नहीं है वो परी का दिमाग। क्या कुछ भी चीज ले रही है? मर्मेड वाली बोतल। हाँ ले ले। लो पापा। अरे मेरे पापा देखो कितने अच्छे हैं। वाह 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 वाह। थैंक यू पापा। ये वाह कितना मस्त है ना पापा। अगर भूख लगी तो हम इसे खा भी सकते हैं। हाँ ले 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 ले। वैसे भी तेरे दांत खरगोश की तरह जो है ले ले। अब क्या करना क्या है? अब क्या करना है क्या? अभी मैं गाड़ी लेके भाग जाता हूँ। पापा भाग क्यों जा रहे? अभी तो हमें सीक्रेट रूम बनाना है ना। तुझे पता है ना सीक्रेट रूम बनाना है? फिर क्यों पूछ रहे हैं? चलो ना करते स्टार्ट करते हैं। अच्छा चलो। तो फ्रेंड्स मैंने क्या सोचा है कि मैं बस इतने एरिया में ही मेरा सीक्रेट रूम बनाने वाली हूँ। मतलब संकेत भैया मुझे गाड़ी में घुमाएंगे फिरेंगे पर उन्हें तो पता चलेगा ही नहीं कि मैंने उनके गाड़ी में मेरा सीक्रेट रूम बना। तो चलो बहुत करवा लिया आप सबको। वेट नाउ इट्स टाइम फॉर रिको रे। चलो जल्दी से। वाव ये बार कितनी मस्त है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी मुलायम है। मुझे तो लगता है इसके मजा ही आ जाएगा। तो एक काम कर दो पहले ये फल। पापा क्या कर रहे हैं? पापा सुन, तू डेकोरेट करके ले, तब तक मैं लाइट लगा के लेता हूँ। आप लाइट लगाओ। अरे बुरी ये देखो मैंने लाइट भी लगा दिया। कितनी मस्त लाइट है। तो पापा मैं क्या बोल रही हूँ, अपने ये पूरी लाइट यहाँ से ऐसे लगा दो। ठीक है ठीक है, यहाँ से लगाओ ऐसे। हाँ नहीं नहीं यहाँ से, यहाँ से। रखने वाली हूँ। हाँ इसलिए मैं काम में भी पार्टीशन करने वाली हूँ। कैसे? कुछ नहीं बीच में कर्टन लगा के। ये देखो। यस लगा दिया। परी एक बात तो सोचे, मैं तुम्हारे साथ रह रहे के ना डॉग हाउस सीक्रेट रूम ये सब बनाना सीख गया। अरे वाह वाह वाह
वो आप वहाँ पर लगाओ। हाँ लगा रहो, लगा रहो। पर पापा, हाँ परी, मैं क्या बोल रही हूँ, आप ना कितने भी सीक्रेट हाउस में जाके छुप जाओ, बट मम्मी ना आपको वो कैसे भी करके ढूंढ निकालेगी। हाँ ना परी, वो बात तो सच है। एक काम करते, मम्मी को इस सीक्रेट रूम में बंद किया तो बाहर से ताला लगा के चाबी समुद्र में फेंक देते। फिर मम्मी ना सीक्रेट में गायब हो जाएगी। हाँ, और उसके बाद हम भी गायब हो जाएंगे। पर्दा लगा के तो हो गए। तो अब ये सॉफ्ट है ना, मैं उसे यहाँ पर रख देती हूँ। पापा, कब से काम मैं करे जा रही हूँ और आप अकेले अकेले जूस पी रहे हो। परी, थक गया हो ना, इसलिए जूस पी रहा हूँ। मैं नहीं थक गई हूँ। आपने क्या किया, क्या काम किया? क्या किया? सवेरे नाश्ता किसने बनाया? आपने। बर्तन किसने धोए? आपने। झाड़ू किसने लगाया? आपने। कपड़े किसने धोए? आपने। तो कौन थका? आप। फिर मस्त लग रहा है। हाँ, वैसे मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ना भूख लगी है, तो थोड़ा सा ना कुछ खा लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ये देखो मेरे पास तो खाने का सामान भी है। फ्रेंड्स, इतना काम करने के बाद कुछ खाने का अलग ही मजा होता है। परी, तुम्हें पता है आग बंद करके मैं एक काम अच्छे से कर सकता हूँ। कौन सा? सोना। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा इसे? परी, पूरा डेकोरेट तो हो गया अभी। अभी मुझे मम्मी की याद आ रही, मैं जा रहा हूँ। अच्छा। चल बाय बाय, टेक केयर। यस, आपको एक बात बताओ क्या, मेरे मम्मी पापा ना कितना भी झगड़ ले, कितना भी झगड़ा कर ले, पर दोनों ना एक दूसरे के सिवा तो रह ही नहीं सकते, इसलिए पापा चले गए। फ्रेंड्स, मेरे पापा ने ना गाड़ी की चाबी संकेत भैया को दे दी है। मुझे तो लगता है अब टाइम हो गया आने का, अभी तक आए कैसे नहीं है? कुछ आवाज आ रही है। संकेत भैया आ गए। अरे अब मुझे ये कहाँ लेके जा रहे हैं? संकेत भैया को अभी तक कुछ पता नहीं चला कि मैं उनके कार में हूँ और मैंने सीक्रेट हाउस बनाया। अब देखो वो ना ट्राई तो करते। अरे संकेत भैया, कैसे ड्राइविंग कर रहे हो आप? अच्छे से करो जरा। अरे अच्छे से ड्राइविंग करने के लिए संकेत दिया मैंने आपको। अरे फ्रेंड्स, आप देखे जा रहे हो क्या? मुझे तो पता ही नहीं था जब संकेत भैया अकेले गाड़ी में रहते कितने फास्ट गाड़ी चलाते हैं। हे भगवान, मुझे तो पटके जा रहे हैं। संकेत भैया प्लीज जरा धीरे गाड़ी चला, मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पर। हे भगवान, कितना बोर हो रहा है गाड़ी में। एक काम करता हूँ, मेरा गाने लगाता हूँ। यस, कितने बस चिप है।
मूर्ख पागल ना संकेत को या को पता चल गया है कि क्या कर रहा है। अप्स, ये मुझे नहीं, ये तो दूसरे गाड़ी वाले को गाली दे रहे। ठीक से चलाने नहीं आती है गाड़ी तुझे? मुझे थोड़ी ना गाली दे रहे, ऐसा लगता है एक एक को चुन चुन कर मारू। गाड़ी चलानी नहीं आती है फिर भी गाड़ी लेके घूमते हैं यहाँ पर। मेरा तो कुछ टेंशन नहीं है, मैं आराम से चिप्स खाऊंगी। आपको चाहिए क्या? संकेत भैया मुझे कहाँ लेकर आया है? फ्रेंड्स आप देख सकते हो, संकेत भैया मुझे कहाँ लेकर आया है? अरे ये तो सुनसान सड़क है, कोई नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर। तो अब डर लगने लगा है फ्रेंड्स। क्या गाड़ी अब यहाँ पर क्यों पार्क कर रहे हैं? यहाँ पर कौन गाड़ी पार्क करता है? अरे यार फ्रेंड्स, फ्रेंड्स संकेत भैया तो सच में गाड़ी में से उतर गए। डर लग रहा है यार, अंधेरा है यहाँ पर। सीक्रेट रूम का चैलेंज मुझ पर ही भारी पड़ गया है, अब क्या करूं? संकेत भैया को कैसे बुलाऊं यहाँ पर? मुझे डर लग रहा है अब जंगल में। मम्मी सीक्रेट रूम देखो क्या आएगा फिर से। नहीं। A few hours later. Friends, yes, finally. हो गया काम, चलो चलते हैं। संकेत भैया आ गए, अब मेरी जान में जान आ गई। यस फ्रेंड्स आप देख सकते हो हम उस सुनसान जंगल से तो बाहर आ गए, अब तो हम रस्ते पर हैं। चारों तरफ बहुत लोग हैं, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। यस। अरे यार, शिट। ये फोन किसका बज रहा है? मेरा तो नहीं है, पीछे किसका फोन रह गया? एक मिनट उतर के देखता हूँ मैं। अरे यार किसका फोन रह गया ये पीछे? अरे यार ऐसे कैसे किसी का फोन रह सकता पीछे? भैया कुछ नहीं यहाँ पर, प्लीज फोन है। आप गाड़ी चलाओ ना। किसका फोन है? गाड़ी चलाओ, क्यों आ रहे हो यहाँ पर? अरे अरे संकेत भैया आप ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? और ये क्या कर रखा है गाड़ी का हाल? वो संकेत भैया क्या हुआ ना, मैंने आपके कार में सीक्रेट रूम बनाया था। सीक्रेट रूम? मेरे कार में सीक्रेट रूम? ये क्या कारपेट बिछा रखा है यहाँ पर, ये सब कर रखा है? सीक्रेट रूम क्यों किया था तुमने पर कार में? ऐसे ही आपके साथ प्रैंक किया। प्रैंक? ये प्रैंक था मेरे गाड़ी के अंदर, खराब कर दिया तुमने गाड़ी को। सॉरी ना संकेत भैया। अब गाड़ी को तुम ही साफ करोगी? हाँ, ये क्या कर दिया तुम्हारा? सीक्रेट रूम की हालत देखो क्या हो गई है। संकेत भैया सॉरी ना, माफ कर दो ना, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो ना, मैं छोटी बच्ची इतना सारा। छोटी बच्ची थी तो ये कैसे किया तुमने सीक्रेट रूम? अकेली ने नहीं किया। हाँ फिर मेरे पापा ने भी इसमें मेरी हेल्प। ओ, दोनों ने मिलके ये किया। हाँ। अभी तुम्हारे पापा को भी बुलाओ और दोनों मिलकर मेरी ये गाड़ी साफ करोगे। चलो तब तक यही पर बंद रहोगी तुम। हाँ बाय, मैं जा रहा हूँ अभी रिक्शा से। बाय, जा रहा हूँ मैं।